चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल दहलाने वाली खबर को मिस ना करें। पीएम मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत, 20 महीनों में देश भर में चलेंगे 10,000 जागरूकता कार्यक्रम। पीएम मोदी आज ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित, 100 से अधिक बिजनेस लीडर होंगे मौजूद। 10वीं 12वीं छात्राओं को खुशखबरी, टॉप करने वाले को मिलेंगे 3-3 लाख रुपए, झारखंड सरकार ने किया बड़ा ऐलान। एफडी कराने वालों के लिए खुशखबरी, एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़ाया एफडी का ब्याज। जारी है रेलगाड़ियों के रद्द होने का सिलसिला, आज रेलवे ने रद्द की 400 से ज्यादा ट्रेनें। सरकार ने दी बड़ी राहत, अब सिर्फ 5 दिन में हो जाएगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन। भारत में गोल्ड की मांग में आई भारी गिरावट, सोने का आयात 32 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा। LIC पर तनाव के बावजूद 10 महीनों में 9% बढ़ा, चीन से आयात और निर्यात पर आई भारी गिरावट। कोरोना के खिलाफ IIT दिल्ली की बड़ी कोशिश, नैनो वैक्सीन तैयार करने में जुटी। 2024 में फेल हो जाएंगे BJP के पुराने दांव, नहीं मिलता दिख रहा चोट, सर्वे में खुलासा। रेलवे ने शुरू की पार्सल पिकअप डिलीवरी, मिलेगी डोर टू डोर सर्विस। त्रिपुरा में वोटिंग, विधानसभा चुनाव में 86% हुआ मतदान। अयोध्या के बाद अब कर्नाटक में भी बनेगा राम मंदिर, CM बोम्मई ने मंदिर के लिए 1,000 करोड़ का किया ऐलान। एलन मस्क ने भारत में ट्विटर के 2 ऑफिस पर लगाया ताला, कर्मचारियों को भेजा घर। इंडियन रेलवे का होली पर पैसेंजर्स को बड़ा तोहफा, होली स्पेशल 13 ट्रेनों की दी स्वागत। आधार से वोटर ID कार्ड लिंक करना होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन, PM मोदी बोले दूर की सोच रखता है भारत। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार, 212 घंटे बाद बुजुर्ग को मालवे से सुरक्षित निकाला गया। झारखंड के पलागू में 2 समुदाय के बीच पत्थरबाजी, कई घायल, धारा 144 लागू। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर अरानी ग्रुप की जांच करे RBI और SEBI, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्र लिखकर की मांग। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा महंगाई होगी कम, घटेगा टैक्स, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल और LPG। SBI के करोड़ों ग्राहकों को झटका, अब लोन लेना हो जाएगा महंगा, चुकानी पड़ेगी पहले से ज्यादा। PM मोदी बोले चीन सीमा में सटे गांव का होगा विकास, मिलेगा रोजगार। ममता के मात्र 3% DA बढ़ाने के ऐलान से कर्मचारी नाराज, कहा नहीं चाहिए भीख। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है।